ले जाओ हां दीदी आप मत बोलिए नाम पूछ रहे इन्होंने शुरू से मुझे प्रताड़ित किया। तीसरे नंबर के भाई को नहीं लेके आया है, वो मुझे मारता रहा जबरदस्ती। मेरी माँ नहीं कुछ बोलती थी, कोई कुछ नहीं बोलता था। उसके बाद मैंने सुसाइड किया। सुसाइड करने के बाद मैं बच गई। इन्होंने दवाई कराई मेरी, फिर उसके बाद इन्होंने फिर वही तंग करना चालू किया। फिर अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो उसको भी इन्होंने तंग किया। फिर उसके बाद मुझे उसके द्वारा नारी निकेतन भेजा गया। नारी निकेतन से मैं माँ बाप के साथ गई। फिर इन्होंने लगातार न मुझे साल भर फोन दे के रखा था, न कहीं जाने देते थे, न कहीं आने देते थे, ठीक है। और ये लगातार मेरे साथ मारपीट करते थे, मेरे शरीर में निशान भी है। और उस दिन मेरा भाई जबरदस्ती मुझे लेकर के घर आया था, यहाँ थाने लेकर के आया था। फिर मैं थाने से बोल दी कि मुझे भाइयों के साथ नहीं जाना है, ये मुझे मारपीट करते हैं। अब मैं थाने से जब किसी और के साथ चली गई हूँ तो मेरे को पागल करार कर रहे हैं। मैं क्या पागल नजर आ रही हूँ? आप पागल नहीं हैं। मैं पागल नजर आ रही हूँ? कहाँ सर्टिफिकेट है मेरे पागल होने का? आप कहाँ जाएंगी? मैं अब अपना सेल्फ डिपेंड होकर के रहूंगी और खाऊंगी कमाऊंगी। आपका नाम? मेरा नाम रोशनी विश्वकर्मा है। अभी आप किसके साथ जा रही हैं यहाँ से? मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया गया। यदि आपके साथ घटना होगी कुछ होगा, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। उसकी जिम्मेदार? हाँ, अभी मैं कोर्ट तक भी जाऊँगी। आप किसी के ऊपर आरोप लगा रही हैं? मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रही।